अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन के बटन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन को आप एक्टिव कर ले, जिससे मेरे चैनल पे सारी वीडियोज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा आप मेरे वेबसाइट पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं cmarohanasarma.in, जहाँ पे आपको CMA से रिलेटेड काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। ए हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है एंड आज फिर से मैं आपके पास लेके आया हूँ एक अनदर सक्सेस स्टोरी। आज की सक्सेस स्टोरी एक CMA सेमी क्वालिफाइड की है, अभी वो ऑलरेडी CMA कर रही है। एंड बेसिकली देखो, हर एक स्टोरी में कुछ खास बातें होती है, कुछ मोटिवेशन होता है, कुछ डिप्रेशन होता है, कुछ लोग लगता है ऐसा कि शायद वो CMA नहीं करना चाहिए या फिर अटेम्प्ट लग रहे हैं तो हमें जॉब नहीं मिलेगा, बहुत सारा डाउट्स होता है एंड बहुत सारे कंफ्यूजन होता है। सो ये स्टोरी आपको बहुत कुछ दे के जाएगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस स्टोरी से। मेरे साथ है आज इस स्टोरी में सोनाली सिंह। सोनाली अभी वीडियो में जॉब कर रही है, वीडियो बिग फाइव में आती है एंड यहाँ पे रिक्स एडवाइजरी एंड गवर्नमेंट कंप्लायंस में अभी इनका जॉब रोल है। सो हाय सोनाली, कैसे हो आप? मैं तो अच्छी हूँ। थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। सो थैंक यू टू यू कि आप मतलब आप मेरे चैनल पे आए एंड आप अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो, बिकॉज इससे क्या होगा, बेसिकली बहुत सारे CMA स्टूडेंट होंगे जिनको मोटिवेशन मिलेगा एंड जब भी वो डिमोटिवेट फील होंगे तो शायद मेरे वीडियो को देखेंगे और फिर से उनके पास वो एनर्जी फिर से लौट आएगी और वो CMA के लिए फोकस्ड हो जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सोनाली, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हो आप? मैं बेसिकली मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करती हूँ। ग्रेट, मैं हाजीपुर से हूँ, तो वी आर नियर अबाउट 50 एंड 55 किलोमीटर। सो नेबर्स ही हुए हम। हाँ, तो हम बात करते हैं, जैसे कि आप बिहार से हो एंड बिहार में बेसिकली जब कॉमर्स का सब्जेक्ट कोई ऑप्ट करता है तो बेसिकली लोगों के दिमाग में थॉट ये होता है कि ये पढ़ना नहीं चाहता इसलिए कॉमर्स ले रहा है, नहीं तो या तो मैथ लेगा नहीं तो साइंस लेगा। आर्ट्स अगर कॉमर्स लिया तो फिर नहीं पढ़ने वाला बच्चा, ऐसा मानते हैं घर में। तो आपके साथ कैसा था, ऐसा कुछ सीन था? हाँ बिल्कुल, जब मैंने इवन मेरी पूरी फैमिली पूरे सभी साइंस बैकग्राउंड से, जब मैंने कॉमर्स लेने का बोला कि हाँ मुझे कॉमर्स लेनी है, तो मुझे सबने बोला अरे कॉमर्स लेके क्या होगा। इवन मेरे रिलेटिव्स भी सभी मुझे यही बोल रहे थे कि अरे कॉमर्स लेके क्या होगा, कॉमर्स में कुछ नहीं है, क्योंकि बिहार में एकदम साइंस की ही होती है कि हाँ साइंस लेना ही इम्पोर्टेंट है। तो बट फिर भी स्टिल मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हें जो भी लेना है, तुम्हें जिस भी स्ट्रीम में जाना है वी आर ओके विद इट। मेरे पापा ने तो इवन ये भी कहा था कि नो इश्यूज, अगर आपको आर्ट्स में जाना है तो उसमें हमें उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे मॉम डैड उन्होंने डेफिनेटली सपोर्ट किया कि हाँ आप कॉमर्स में जाना चाहते हो आप कॉमर्स में ही जाओ। तो फिर मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया। इवन मेरा छोटा भाई है वो भी साइंस पढ़ रहा है, लेकिन मैं ही इकलौती हूँ घर में जो कॉमर्स पढ़ रही है। ग्रेट। सो जब आपने कॉमर्स को चूज किया था उस समय तो क्या था आपके दिमाग में, क्या थॉट था, मतलब क्या करना था एग्जैक्टली कॉमर्स में, ऐसा कुछ सोचा था? हाँ, क्योंकि मुझे ना तो इंजीनियर बनना था ना डॉक्टर बनना था, और अगर मैं साइंस लेती तो मैं इंजीनियर या डॉक्टर ही बनाने के लिए मुझे भेजते। तो मैं मुझे कहीं ना कहीं साइंस में मैं ना इंटरेस्ट था और ना मैं अच्छी थी साइंस में, मुझे नहीं पढ़ना था, साइंस कंटिन्यू नहीं करना था। दैट्स वाई फिर मैंने यहाँ पे कॉमर्स ज्वाइन किया, और मुझे कॉमर्स में जाने के बाद या तो मुझे डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स ही करना था, सो दैट्स वाई मैंने CMA ज्वाइन किया। तो फिर जब आपने आपके क्लास 12th में क्या मार्क्स आए थे? इट्स एवरेज, आई एम ऑलवेज एवरेज स्टूडेंट। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप परसेंटेज शेयर कर दो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मेरे अबाउट 70-75% ही मार्क्स थे मेरे, आई एम नॉट कि हाँ मैं 80-85 वाली स्टूडेंट नहीं थी। मेरे खुद के 70% ही मार्क्स हैं, तो ऐसा कोई सोचने वाली बात नहीं कि आपके कम मार्क्स है। अरे ऐसा मैटर भी नहीं करता कि आप स्कूल में बहुत सुपर ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो इट मैटर नहीं करता, आप एवरेज हो बिलो एवरेज हो, अगर आप CMA क्वालिफाइड कर लिए तो आपकी डिग्री की उतनी वैल्यू रहेगी। सो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी। सो नेक्स्ट था कि जब आपका 12th में आपने बिहार बोर्ड से पेपर दिया था? नहीं, मैंने CBSE से पेपर दिया था। CBSE बोर्ड से पेपर दिया था, ओके। सो देन अब आपके पास ग्रेजुएशन था एंड आप वहां से एक प्रोफेशनल कोर्स आप अगेन स्टार्ट कर सकते थे, तो फिर आपने क्या कैसे किया, अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की?
मैंने जब 12th क्वालिफाई करा उसके बाद दो बिहार में उतनी स्कोप नहीं है स्टडीज की, सो दैट्स व्हाई मैं कोलकाता मूव कर गई फॉर माय हायर एजुकेशन. मैंने वहां पे कॉलेज में एडमिशन लिया. आफ्टर दैट मैंने फिर मुझे लगा कि सिर्फ बीकॉम करके मैं क्या करूंगी, फिर मुझे आगे तो कुछ देखना होगा. तो फिर मैंने अपने पीजी में हॉस्टल में जो मेरी लड़कियां थी, मैंने उनसे उनके मुझे काफी सीएमए के बारे में सुना, तो मुझे पहली बार वहीं पे पता चला कि सीएमए करके भी कोई कोर्स होती है और काफी अच्छी कोर्स है. उन्होंने मुझे उसके स्कोप के बारे में बताया, फिर उन्होंने बताया कि जॉब कितनी अच्छी मिलती है. इवन उन्होंने मुझे मोटिवेट किया काफी ज्यादा कि यू कैन गो विद दिस कोर्स. ये कोर्स काफी काफी अच्छी कोर्स है, काफी गेम चेंजर। जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी है इसमें. सो मैंने सीएमए को मुझे वहां पता चला कि मुझे सीएमए करना चाहिए, मैंने ज्वाइन किया. ओके, तो जब आपने सीएमए ज्वाइन किया तो इनिशियल स्टेज में कुछ डिफिकल्टीज आई थी सीएमए करते समय? हाँ, डिफिकल्टीज तो आई थी कि दो इंसान प्रोफेशनल कोर्स में पहली बार आया तो इतनी ज्यादा आर्ट स्टडीज करने की आदत नहीं थी, और कहीं ना कहीं मीडियोकर थे स्टूडेंट्स. मतलब मैं मीडियम स्टूडेंट थी तो मुझे उतनी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी चीजों में, बट स्टिल मैंने बोला कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे इसे एंड भी करना है. सो दैट्स वाई मैंने पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडीज को टाइम दिया और मैंने उसे कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ, आगे देखती हूँ. डेफिनेटली होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड बात करते हैं आपके इंटरमीडिएट की, तो आपका इंटरमीडिएट कैसे क्लियर हुआ? अटेम्प्ट्स लगे ना लगे, क्या हुआ था? मैंने फाउंडेशन एक गो में क्लियर किया था, फिर मैंने 18 दिसंबर में फाउंडेशन क्लियर किया था, उसके बाद मैंने 2019 दिसंबर में ग्रुप वन क्लियर किया था इंटरमीडिएट के. आफ्टर दैट मैं उसके बाद फिर मैंने ग्रुप टू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. उसके बाद फर्स्ट टाइम ऑनलाइन इंट्रोड्यूस हुआ दिसंबर 2020 में. उस टाइम मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं निकला ग्रुप टू. दो पेपर एग्जाम्प्ट हुए, आफ्टर दैट मेरे दो पेपर रह गए. उस टाइम मैं काफी डिमोटिवेट फील कर रही थी कि दो पेपर और सिर्फ 5 नंबर से मेरा रह गया था, तो मुझे थोड़ी सी ज्यादा फील हो रही थी कि सिर्फ 5 नंबर की वजह से मुझे अटेम्प्ट लग गया. तो फिर लेकिन लकीली आपकी वीडियोस मेरी काफी मोटिवेशन बनी. जब मैंने दिसंबर 21 में जब अपने सेकेंड ग्रुप को री अटेम्प्ट किया, उस टाइम पे मैं काफी डिमोटिवेट फील कर रही थी कि मेरे अटेम्प्ट्स लग गए हैं तो फिर मुझे चीजों को मैं नहीं कर पाऊंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले ना मिले. बट मैंने काफी सारे आपकी सक्सेस स्टोरीज देखी और मुझे लगा कि नहीं, कोई इशू नहीं है, काफी लोगों को अटेम्प्ट्स लगते हैं और आप अटेम्प्ट के बाद भी लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज अचीव करते हैं. तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की और लकीली 20 दिसंबर 21 में मैंने सेकेंड ग्रुप सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया. ग्रेट। सो फिर आपने पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि मेरी वीडियोज आपको मोटिवेट की इतना सारा, एंड आपने हाँ, अपना उसने ग्रुप को बहुत क्लियर किया। मोटिवेट किया मुझे, मुझे बहुत मोटिवेट किया उसने, क्योंकि मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी. वो नवंबर 21 के अराउंड की बात है. मैं काफी डिमोटिवेट फील कर रही थी, एग्जाम्स आने वाले थे और मैं काफी डिमोटिवेट थी कि मेरे अटेम्प्ट्स लग गए, मुझे पता नहीं आगे जाके अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले ना मिले. बट मैंने काफी लोगों को देखा जिन्होंने अटेम्प्ट के बाद भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अचीव किए हैं अपने करियर में, तो मुझे उससे काफी हेल्प मिला. और फिर मैंने लकीली अटेम्प्ट भी क्लियर किया अपना, दूसरी बार में मैंने सेकंड ग्रुप क्लियर किया. ग्रेट। सो फिर आपने ट्रेनिंग के लिए कैसे सर्च किया, बिकॉज आपने ट्रेनिंग की है पहले? हाँ जी, मैंने ट्रेनिंग तो कोविड 2020 के बाद ही स्टार्ट कर दिया था. जब फर्स्ट वेव ऑफ कोविड खत्म हो रहा था उस टाइम पे मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया था. मैं उस टाइम पे नियर अबाउट में दिल्ली मूव कर गई थी, क्योंकि कोविड के वजह से कोलकाता से मैंने शिफ्ट कर लिया था खुद को, और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने दिल्ली खुद को शिफ्ट कर लिया था 2020 के अराउंड ही. उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्म्स, मीडिया का फॉर्म्स में मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट करा, क्योंकि मैंने अच्छी जगह पे ट्राई किया था बट एक ग्रुप क्लियर होने की वजह से मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई थी, तो मैंने मीडिया का फॉर्म में ही स्टार्ट करा था अपना आर्टिकलशिप और मैंने उसे खत्म करा. फिर आफ्टर दैट मैं आगे देख रही हूँ. ओके, सो अभी आपने उसके बाद आपने वीडियो में अभी आप जॉब कर रही हो, सो फिर हाँ जी, आपने इसके लिए किस तरीके से आपने अप्लाई किया, आपने
क्या क्या चीजें एरिया पे फोकस किया इंटरव्यू के टाइम में, तो थोड़ा सा इससे उन सारे स्टूडेंट जो इंटर क्वालिफाइड के बेसिस पे जॉब सर्च कर रहे हैं उनको काफी हेल्प मिल जाएगा अगर आप शेयर करोगे अपनी स्टोरी। हाँ जी बिल्कुल सर, मैंने ग्रुप टू क्लियर कर लिया अपना, जो कि मेरा ग्रुप टू नहीं मतलब अटेम्प्ट्स नहीं हो पा रहे थे, शिफ्ट कर रहा था इंस्टीट्यूट बार बार अटेम्प्ट्स, तो फाइनली जब 21 में अटेम्प्ट्स हुए तो फिर मैंने दिसंबर 21 में उसको क्लियर किया। फिर मुझे लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, एक अच्छी एक्सपोजर मिल जाए, क्योंकि मैंने आर्टिकलशिप भी एक मीडिया का फॉर्म से करा था, तो मुझे लगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सपोजर में अगर ले लूँ तो शायद आगे जाके जॉब वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। तो फिर दैट्स वाई मैंने रिजल्ट आते ही मैंने स्टार्ट किया सर्च करना। मैंने नौकरी पे भी काफ़ी सर्च किया, मैंने लिंक्डइन पे भी काफ़ी मैं एक्टिव हुई रिजल्ट आने के बाद। एंड आफ्टर दैट लकीली मैं वीडियो के एचआर जो रिस्क एडवाइजरी में रिक्रूट करते हैं, मैं एनी हाउ उनका नंबर मुझे मिला और मैंने उनको सीवी भेजा। आफ्टर दैट 2 वीक्स के बाद मेरी एचआर राउंड कंडक्ट हुई, उसके बाद फिर मेरी 2 राउंड्स और कंडक्ट हुई, आफ्टर दैट मेरी सिलेक्शन हुई। तो इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? इंटरव्यूज में मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो प्रोफाइल था उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे गए थे मुझसे। हाँ जी कुछ और मैंने जो आर्टिकलशिप में मैंने जो सीखा था मुझे वो चीज भी पूछी गई थी। सो एक दो क्वेश्चन अगर एक याद हो रिलेटेड टू पार्टिकुलर, बिकॉज सीएमए में रिस्क एडवाइजरी का भी मतलब इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हम ज्यादा पढ़ते हैं, तो मतलब आपने कैसे आंसर्स किया उस क्वेश्चंस पे, एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। रिस्क एडवाइजरी में रिस्क एडवाइजरी इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट, तो सबसे पहला मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था जो वो मुझे याद है, जो मेरे एसोसिएट डायरेक्टर जो थे उनका क्वेश्चन सबसे पहला था। एचआर राउंड तो नॉर्मल था, सेकेंड राउंड जो मेरा हुआ वो एक एसोसिएट डायरेक्टर राउंड हुआ था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ऑडिट, सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया था। उसके बाद फिर और भी चीज़ें हुई थी, नॉर्मल बातें भी हुई थी, और फिर टेक्निकल एक दो क्वेश्चन और भी ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड आफ्टर दैट मेरा पार्टनर राउंड हुआ था, तो पार्टनर ने भी मुझसे कुछ ऑडिट रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चंस कुछ वैसा मैं बोलूंगी ज्यादा टफ नहीं थे, नॉर्मली क्वेश्चंस थे, बट या आप बोल सकते हो कि टेक्निकल क्वेश्चंस थे और कम्युनिकेशन स्किल भी मैटर कर रहा था वहां पे, मुझे ऐसा लगा था। या डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल तो हर जगह मैटर करता है। सो आप कुछ सजेशंस देना चाहो बच्चों को? एंड हाँ, पैकेज अगर एक सेमी क्वालिफाइड सेमी इंडस्ट्री में जाता है तो एज ए फ्रेशर क्या पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता है? वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकता है 4 to 5 to 6 ओके। हाँ 4 to 6 के बीच में आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड लकीली मुझे बिग 5 भी मिला और लकीली मुझे पैकेज भी अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आई थिंक कि इंसान अगर कोशिश करे तो आप सेमी क्वालिफाइड के बेसिस पे भी अच्छी पोजीशन अचीव कर सकते हैं, अच्छे पैकेज भी अचीव कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। सो स्पेशली उन सारे स्टूडेंट्स जो सेमी क्वालिफाइड है और ये सोच रहे होंगे कि उनको जॉब कैसे मिलेगी, पैकेज अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, आप डेफिनेटली आप ट्राई करो, आपके साथ अच्छा होगा। सो आप कुछ सोनाली कुछ सजेशन देना चाहते हो स्टूडेंट्स को अपनी जर्नी से? मैं बिल्कुल यही बोलना चाहूंगी कि कभी भी इंसान को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मैं भी डिमोटिवेट हो गई थी बीच में कि हाँ मेरे अटेम्प्ट लगे, ये चीज सोच के मैं सोच के 1-2 महीने बहुत परेशान रही थी, तो लकीली कुछ वीडियोस जैसे आपकी काफी वीडियोस में मतलब मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ कि आप इतनी सही वीडियो सक्सेस स्टोरी के नाम पे रिकॉर्ड करा आपने, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो इतना मोटिवेट किया, और भी कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं और भी घर वाले उन्होंने काफी मोटिवेट किया, तो क्योंकि मैं काफी डिमोटिवेट हो गई थी उस टाइम पे अटेम्प्ट्स लगने की वजह से। बट मुझे नहीं लगता है कि अटेम्प्ट्स को लेके इतना सोचना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये आप एकेडमिक स्टडीज नहीं कर रहे हो कि जहाँ आपने एग्जाम दिया तो क्वालिफाई करोगे, ये चीज की कोई गारंटी नहीं है। 1-2 अटेम्प्ट्स लग भी रहे लेकिन आपकी नॉलेज स्किल अच्छी, और अगर आप थोड़े से हार्ड वर्किंग है तो आप डेफिनेटली अपने करियर में अच्छे ग्रोथ डेफिनेटली अचीव करोगे। सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड होप सो कि ये स्टोरी बच्चों को अच्छा लगे और वो एंजॉय करे एंड वो भी काफी मोटिवेटेड हो इस वीडियो को देखने के बाद एंड वो भी अपने लाइफ में आगे जाए। थैंक यू।
सो बेस्ट ऑफ लक टू यू कि होप सो आप जल्द से जल्द आप CMA बनो, कैंपस में जाओ, कैंपस प्लेसमेंट हो आपकी एंड फिर से हम आपकी अनदर स्टोरी रिकॉर्ड करें, CMA सक्सेस स्टोरी। ओके, होप सो, होप सो। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।